दिस वन, तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये तो सेक्शन 27 थोड़ा करा देता हूँ, फिर देख लेना, वैसे भी आपसे बन जाएगा, आप रीड करना एक बार, थोड़ा बड़ा है, पढ़ने में टाइम लग जाएगा, बट आप रीड करना, मैं कर दूंगा इसको भी। ठीक है, सेक्शन 12 के ऊपर आते हैं। कमिंग टू सी व्हाट्स गिवन ऑन टू सेक्शन 12, सेक्शन 12 कहता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन द लीगल प्रोसीडिंग्स। अब देखिए, जाहिर सी बात है, कुछ टाइम को छोड़ के चलेंगे, कौन कौन से टाइम को छोड़नी है, अब जरा ये सब चीज़ समझ लीजिए, कौन कौन से टाइम को छोड़नी है। पहला बात तो बड़ा ईजी सा है, वो कहता है कि भाई आप जब लिमिटेशन कॉम्प्यूट करेंगे, तो कोई भी सूट के लिए, अपील के लिए, एप्लीकेशन के लिए, तो जिस डेट से लिमिटेशन शुरुआत होनी है, मतलब उस डेट को छोड़ देना। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ए प्लस बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और कम कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ वो 25 जनवरी 2020 को हुआ, और आगे चल कर के 28 मई 2020 को कोई पार्टी रिफ्यूज़ कर देती कि जो हम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करेंगे। अब रिफ्यूज़ कर दी तो कॉज ऑफ एक्शन यहीं अराइज हो गया, लिमिटेशन यहीं से शुरुआत हो जाना चाहिए। तो क्या टाइम टू टाइम लेके चलेंगे? अगर 2 बजे रिफ्यूज़ किया तो 2 बजे से देखना है, 3 बजे रिफ्यूज़ किया तो 3 बजे से देखना है? नहीं, लिमिटेशन एक ने कहा कि भाई इतना टाइमिंग वाले कैलकुलेशन पे मत चलो, इस डेट को छोड़ दो, ये वाला डेट जो है ना, ये डेट को छोड़ दो, आप जो काउंटिंग करोगे लिमिटेशन की, वो 29 मई से करोगे, 2020 से करोगे, 29 मई 2020 से करोगे, सही है ना? ये चीज़ कहते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन, द डे फ्रॉम विच द सूट सच पीरियड इज टू बी रिकंड शैल बी एक्सक्लूडेड। मतलब जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुई है, वो डेट आप छोड़ दो, अगले डेट से काउंटिंग शुरू करो, दैट इज सेड बाई सबसेक्शन 1, सही है ना? दिस वन। सबसेक्शन 2 में क्या कहता है, अब ये देखिए जरा, मैं यहाँ काटता हूँ, आप नोट कर लीजिए, साथ साथ नोट करते जाइए और आगे समझिए क्या कहता है। अगला पॉइंट पे आके देखिए क्या कहता है। अगला पॉइंट कहता है कि इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील और एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील और फॉर रिविजन्स और फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, रिव्यू ऑफ जजमेंट, कंप्लेंट ऑफ व्हिच प्रोनाउंस टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग द कॉपी ऑफ डिक्री। जाहिर सी बात है, हमको अपील फाइल करने जब जाते हैं ना, तो हमको डिक्री की कॉपी चाहिए होती है, सेंटेंस, ऑर्डर, अपील फॉर शॉर्ट टू बी रिवाइज, रिव्यूड, ये जो है ये एक्सक्लूड रहेगा, दैट वॉज ये एक्सक्लूड रहेगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इसमें एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ भी बताता हूँ, थोड़ा प्लेस चाहिए मुझे, मैं एग्जाम्पल के साथ यहाँ भी लेता हूँ इसका भी, मैं इनको साफ कर देता हूँ। आप हमेशा एक रूटीन बना के रखिए कि एक क्वेश्चन का आंसर रोज लिखना है, रोज एक क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे और लिख के दिखाएंगे, और राइटिंग जो स्किल है उसको ठीक करेंगे। अब देखिए, जजमेंट है, रिव्यू है, जजमेंट के लिए रिव्यू, रिविजन्स, अपील, व्हाटसोएवर, दैट्स। अब जजमेंट प्रोनाउंस्ड हुई है 5 मई 2020 को, और हमको कॉपी मिली, ऑब्टेन द कॉपी 15 मई
2020 को। तो यहाँ कहता है ना कि ये जो पीरियड है ना, ये वाला पीरियड, ये एक्सक्लूड करेंगे, दैट इज एक्सक्लूडेड। क्योंकि जब लिमिटेशन के वजह से जब सूट डिसमिस की जाती है ना, तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती है, एक एक दिन का हिसाब किताब बना के कोर्ट को देना पड़ता है, तो ये एक्सक्लूड हो जाएगी, डेट शैल बी एक्सक्लूडेड, है ना। दिस सीम्स टू बी ए गुड आइडिया। कौन से आइडिया को आपने अच्छा कहा हुआ तो मुझे पता ही नहीं चला, ठीक है ना। ऑब्टेन द कॉपी, तो ये चीज जो है आपको छोड़ के चलना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एक और सिचुएशन देखते हैं। यहाँ देखिए, मैं बैक ले रहा हूँ पॉइंट को, मैं अपने आई होप आपने नोट कर लिया, और नहीं नोट किया तो आपने नोट कर लीजिए फिर से। हाँ, रोज़ लिखने वाला आंसर, बिल्कुल। आप बिल्कुल, आप एक डिटर्मिनेशन लेके रखिए, अपना प्लेज लेके रखिए कि एक क्वेश्चन का आंसर आपको रोज करना है, रोज़ एक क्वेश्चन का आंसर करना है। दैट मच आप करके दिखाइए, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, भेजिए, जैसे भी, मैं ज़रूर चेक करके बताऊंगा कि हाँ भाई यहाँ पे क्या गलती है, मतलब क्या और हो सकता था, क्या और होना चाहिए, है ना, यहाँ पे और क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो एवरी डे यू मस्ट आंसर एटलीस्ट वन, एक एक क्वेश्चन भी रोज़ एक ही क्वेश्चन भी लिख लेते ना, तो बहुत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, आंसर लिखना आ जाएगा कि हाँ भाई ऐसे आंसर फ्रेम करते हैं, केस स्टडी है तो ऐसे आंसर देते हैं, अगर डिस्कस कमेंट वाला क्वेश्चन है तो ऐसे आंसर देते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन है तो ऐसे आंसर देते हैं। सो दीज आर ऑफ कोर्स ए वेरी परफेक्ट स्टाइल दैट वॉज। चलिए नेक्स्ट प्रोविजंस के ऊपर आते हैं। तो ये देखा आपने, तो जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस होती है वो डेट हम छोड़ते हैं, और ऑब्टेन करने में जो टाइम लगा हम वो डेट छोड़ते हैं, उसमें हमारे एग्जांपल में भी यही था, दैट वॉज। यहाँ भी बस वैसी ही बातें हैं, अब इसको भी देखिएगा, वेर ए डिक्री और ऑर्डर इज अपील्ड फ्रॉम और शॉट टू बी रिवाइज्ड रिव्यूड, एप्लीकेशन इज मेड फॉर द लीव टू अपील फ्रॉम ए डिक्री ऑर्डर। तो जो टाइम रिक्विजिट हुई जजमेंट की कॉपी लेने में, एंड ये सब फिर छोड़ के चलना है आपने, ये भी काउंट नहीं करनी है। दैट वॉज अ वेरी नॉर्मल लैंग्वेज। और सबसेक्शन 4 में अवार्ड पे मैटर, अवार्ड कौन देता है, तो अवार्ड हमेशा ट्रिब्यूनल देती है, अवार्ड ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल कौन होता है, जो किसी स्पेसिफिक मैटर को देखने के लिए बनाई गई होती है, स्पेसिफिक मैटर को, मतलब ट्रिब्यूनल का ऐसा होता है कि उनका जो पहला स्कोप होता है, पहला स्टेप होता है, वो कंसीलिएटरी होता है, मतलब वो एडजुडिकेटरी सिस्टम पे बाद में जाते हैं, पहले कोशिश ये करते हैं कि भाई कंसीलिएशन हो जाए, दोनों पार्टी मिल जाए, सहमत हो जाए, एग्रीड हो जाए, और अगर दोनों में से कोई नहीं मानता है, एक पॉइंट पे नहीं रेडी होते हैं, तो वो अपने ऑर्डर दे देते हैं, अपनी ऑर्डर प्रोवाइड कर देते हैं, जिसको कहते हैं हम अवार्ड। तो दिस इज अवार्ड देयर, सही है। और एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस केस की लोकस स्टैंडी ट्रिब्यूनल में है उसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं, दैट वॉज, और जिसके कोर्ट में है उसको ट्रिब्यूनल में नहीं ले जा सकते हैं, ये भी बातें हैं, मतलब ये दोनों चीज़ें सेपरेट है। मतलब कि अगर हम कहते हैं कि भाई कंपनीज एक्ट का डिस्प्यूट है, तो वहाँ सेक्शंस में लिखा हुआ है कि कौन से सेक्शन का डिस्प्यूट है, प्रॉब्लम है, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, और कौन से जगह प्रॉब्लम है तो हम उसकी ट्रिब्यूनल, मतलब NCLT में जा सकते हैं। तो दैट वॉज
और जो ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन है उसको हम सिंपली कहते हैं ये क्या है, अवार्ड है। तो अवार्ड की कॉपी लेने में जो टाइम लगा है वो भी हम छोड़ देंगे, उसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। अवार्ड को सेट असाइड करने के लिए हम अकॉर्डिंगली अप्लाई करते हैं, तो जो टाइम लगा है उसको हम छोड़ देते हैं। ट्रिब्यूनल की अपनी अपीलिएट बॉडी होती है, वहाँ पे लगाते हैं एप्लीकेशन की सेट असाइड कर दो इस अवार्ड को। हाँ, और अब एक चीज़ और देख लीजिएगा यहाँ पे, नॉन एक्सक्लूजन, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए कि ये नॉन एक्सक्लूजन्स क्या है। लेट अस सी, अब देखिए नॉन एक्सक्लूजन, अब ये कहते हैं इन कंप्यूटिंग अंडर दिस सेक्शन द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग ए कॉपी ऑफ डिक्री और ऑर्डर एनी टाइम टेकन बाय द कोर्ट टू प्रिपेयर द डिक्री और ऑर्डर बिफोर द एप्लीकेशन फॉर ए कॉपी देयर ऑफ इज मेड शैल बी एक्सक्लूडेड। यहाँ देखिएगा, बिफोर एन एप्लीकेशन फॉर कॉपी देयर ऑफ इज मेड शैल बी एक्सक्लूडेड, ये समझिए ये क्या होता है। सपोज करो कि डेट जो है ऑफ ऑर्डर जो है, जो ऑर्डर की डेट आई है वो 5 तारीख है, 5 मई 2020, ठीक है ना, 5th मई 2020 अभी ये डेट है, और हमको अपील करने का जो टाइम है वो 60 डेज़ का है, यहाँ से 60 दिन का अपील करने का टाइम है, ठीक है। अब हम भी बड़े होशियार हैं, सोचते हैं कि आराम आराम से ऑर्डर की कॉपी के लिए अप्लाई करेंगे, जब अपील फाइल करनी है तो ऑर्डर की कॉपी लगानी है, और जब डेट आसपास रहेगा उसी वक्त हम ऑर्डर की कॉपी के लिए अप्लाई करेंगे, मिल जाएगा हम फाइल कर देंगे। अब हमने भी क्या किया, बड़े आराम से हम अप्लाई किए, अप्लाई फॉर कॉपी ऑफ ऑर्डर, हम ऑर्डर की कॉपी के लिए अप्लाई करते हैं, कितने तारीख को करते हैं, तो इसको समझ लीजिए 25th जून को अप्लाई करते हैं हम, 25 जून को अप्लाई करते हैं 2020 को। और अब 25 जून 2020 को हम अप्लाई करते हैं ना, तो ये जो पीरियड होगा ना, ये वाला पीरियड, ये एक्सक्लूड नहीं होगा, ये नहीं एक्सक्लूड होगा लिमिटेशन से, बिकॉज यही बात लिखी हुई है, दैट वॉज बिफोर एन एप्लीकेशन फॉर ए कॉपी देयर ऑफ इज मेड शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड। मतलब इसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे, ये तो आप अपनी मर्जी से लेट से गए हैं, तो वैसे तो फिर बोलेंगे कि भाई हम तो 5 दिन पहले अप्लाई किए थे, हमको उसके मिला ही बाद में, तो वो सारा पीरियड एक्सक्लूड कर दो, ऐसा नहीं होता। अगर आपको 2 महीने का टाइम था, अगर मान लो 30 दिन का अपील करने का टाइम था और आप 29वें दिन जा रहे हैं और आपको 2 दिन के बाद मिल रहा है, लेकिन इस 2 दिन के बाद आपका लिमिटेशन ख़त्म हो रहा है, 30 दिन का ख़त्म हो गया, जाओ ख़त्म हो गया, अब आप कहते हैं नहीं साहब हमने लॉ में पढ़ा है कि ऑर्डर की कॉपी जब मिलती है तब से काउंट होता है, मिलने में जितना टाइम लगा है उतना पीरियड को छोड़ देते हैं, तो वहाँ भी पूछा जाएगा भाई किसकी गलती से छूटी है, तुम खुद ही तो लेट से अप्लाई किए थे, और यहाँ एक्सप्लेनेशन में लिखा भी हुआ है कि जो तुमने जो अप्लाई किया था उससे पहले का जो टाइम है वो एक्सक्लूड नहीं होगा। दिस वन द मैटर, समझ में आया आपको ये पॉइंट, एक्सप्लेनेशन। क्लियर, आगे बढ़े, शुड वी प्रोसीड अ बिट फर्दर। चलिए, और मुझे साथ साथ ये भी बताइए, क्या लिमिटेशन एक्ट लिमिटेशन बताता है, क्या लिमिटेशन एक्ट किसी भी सूट की फाइलिंग की लिमिटेशन बताता है? बिल्कुल नहीं,
वो सिर्फ प्रिंसिपल बताता है, पीरियड तो शेड्यूल बताता है, लिमिटेशन एक्ट का शेड्यूल बताएगा। ये तो कहता है कि भाई लिमिटेशन के बाद गए सो डिसमिस, सफिशिएंट कॉज है, अपील के केस में आ जाओ ले लेते हैं। लिमिटेशन शुरू कहाँ से होगी, कौन कौन से पीरियड को छोड़ेंगे, वो कौन सा पीरियड है, कौन सा सिचुएशन है जहाँ दोबारा से लिमिटेशन मिल जाएगा, ये सिर्फ प्रिंसिपल को बताता है, ये लिमिटेशन को कहीं नहीं बताता। लिमिटेशन कौन से केस में कितना होगा वो इसका शेड्यूल बताता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये भी बड़ा पूछा जाता है, इसका भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। सही है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, लिमिटेशन एक्ट लिमिटेशन नहीं बताता है, एक्ट लिमिटेशन नहीं बताता है। ठीक है, दैट वॉच। है ना, अब बोलेंगे आप शेड्यूल तो एक्ट का ही पार्ट होता है। बिल्कुल नहीं, शेड्यूल एक्ट का पार्ट नहीं होता, एक्ट को पार्लियामेंट अमेंड करेगी और शेड्यूल को सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंड करेगी। ये भी जान लीजिए, शेड्यूल जब अमेंड करने की बात होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी नोटिफिकेशन से अमेंड कर देती है और सिंपल पार्लियामेंट में पढ़ के सुना देगी कि देखो भाई हमने इसको चेंज कर दिया, ये ऐसे कर दिया। लेकिन एक्ट को अमेंड करना पड़ता है तो पार्लियामेंट में जाना पड़ता है, दोनों हाउस में फिर बिल पास करवाने पड़ते हैं, प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ शेड्यूल अमेंडमेंट जो कंसर्न मिनिस्ट्री है वहीं से हो जाती है। तो ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मैटर है, एक्ट में ही सरकार को पावर दी जाती है कि सरकार ज़रूरत के अकॉर्डिंगली शेड्यूल को अमेंड करे, रूल्स को बनाए, ऑर्डर्स निकाले। सो दिस आर सच ए थिंग विच इज़ गिविन टू द गवर्नमेंट इटसेल्फ, ताकि बार बार पार्लियामेंट में ना जाना पड़े। तो इन चीज़ों का बाइफर्केशन बड़ा समझ के रखिए, क्योंकि इंटरव्यू में जब जाएंगे ना तो ऐसी इसी बातों पे पकड़ते हैं, ऐसी छोटी छोटी बातों पे पकड़ते हैं कि बताओ शेड्यूल और एक्ट में क्या अंतर है, किसको कौन सा अमेंड करता है, गवर्नमेंट और पार्लियामेंट में क्या अंतर है, ये सारी चीज़ें। चलिए मैं वही बता रहा था, स्कोप ऑफ सेक्शन 12-18। तो सेक्शन 12-18 सिर्फ लिमिटेशन को बचाने का काम करता है, और हम जहाँ कहीं भी पढ़ेंगे हम प्रोटेक्शन ही देखेंगे, हाँ साहब ये कर रहे हैं तो लिमिटेशन काउंट नहीं होगा, उस केस में काउंटिंग नहीं होगी। 12 में भी यही पढ़ेंगे, 13 में भी ऐसे ही पढ़ेंगे, 14 में भी ऐसे ही पढ़ेंगे, 15 में भी, 16 में भी, 17 में भी, 18 में भी। और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के लिए ना इन सारी बातों पे खूब लड़ाइयाँ होती है कोर्ट में, जब भी लिमिटेशन का मैटर आता है। तो बड़े आराम से देखिए इन सारे प्रोविजन को, एक्सक्लूजन ऑफ सूट ये सब मैंने आपको बता दिया, अपील में क्या क्या एक्सक्लूड होगी मैंने आपको लिस्ट दे दिया, पहले पढ़ा भी दिया था, और विच डॉक्यूमेंट्स to decide the questions whether the preferred was time or not, that was, and कौन से document से decide करेंगे, तो judgment की copy कौन से दिन आई थी, judgment किस दिन pronounce हुआ था, वो सारे document determined होगा, ना कि अपने plaintiffs के हम decide करेंगे। just आप read कीजिए इन सबको, read करने के लिए ज़्यादा कुछ इसमें point नहीं डाला है, एंड सारी बातें ऐसी हैं जो मैंने करवा दी है। ये अवार्ड के बारे में है, सेक्शन 11 की रिलीफ लेने के लिए, सॉरी सेक्शन 12 की रिलीफ लेने के लिए कोई अलग से कोई प्रे नहीं करना है आपको, सेम टू सेम अलग से डिफेंस के लिए लिखना नहीं है, नॉर्मली अंडरस्टूड है, लॉ का पार्ट है, तो अलग से डिफेंस में लिखने की, रिटर्न स्टेटमेंट में इन सब बातों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेपरेट एप्लीकेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ये रूल एज टू कॉम्पिटिशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन आर एप्लीकेबल टू अदर एक्ट। अच्छा, अदर एक्ट में भी लिमिटेशन की बात करते हैं कई जगहों पे, पता है ना, अदर एक्ट में भी लिमिटेशन की बातें करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार आप देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में, पॉसिबल फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में, लेबर लॉज में, इवन कंपनीज एक्ट में, कई जगह लिमिटेशन है कि ये हुआ 30 दिन के भीतर अपील करो, वहाँ अपील से डिफीट हो गए हैं, हाई कोर्ट में अपील इतने दिनों के भीतर करो, सुप्रीम कोर्ट में इतने दिनों के भीतर अपील करो, कई जगह लिखा हुआ है। लेकिन वहाँ जो डेज की कैलकुलेशन है उसके लिए भी लिमिटेशन एक्ट ही एप्लीकेबल होगी, वहाँ भी लिमिटेशन है। मतलब ऐसा नहीं कि लिमिटेशन, ये जो डेज का कैलकुलेशन का जो प्रोविजन है वो सिर्फ लिमिटेशन एक्ट में जो डेज है उसकी कैलकुलेशन के लिए है, अदर एक्ट में भी जो डेज स्पेसिफाइड है लिमिटेशंस को लेकर के उस पर भी है,
जैसे आपको याद होगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी तो पढ़ा है आपने सेक्शन 138 चेक बाउंसिंग वगैरह केस में कि इतने दिनों के भीतर ये करनी है ये करनी है, तो वहाँ भी तो यही इसी के अकॉर्डिंगली काउंटिंग होगी है ना। और हमेशा वर्ड लिखा है टाइम रिक्विजिट। टाइम रिक्विजिट का मतलब ये नहीं होता कि आप आखिरी डेट पे पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि ये रिक्विजिट टाइम है मेरा, कितना समय लगा, उनके तरफ से क्या डिले होती है, दैट इज़ एक्सक्लूडेड ओनली। आप अपनी गलती से जो डिले करते हैं डैट शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड एट ऑल। सारफेसी में भी बिल्कुल है, सारफेसी में जितनी जगह डेज की बातें हैं ना सभी जगह ऑर्डर आने का दिन छोड़ देंगे, कॉपी मिलने का दिन छोड़ देंगे, जजमेंट की कॉपी मिलने का दिन को छोड़ देंगे, सभी जगह ये काम करेंगे। मतलब लिमिटेशन एक्ट का जो ये प्रोविजन है, डेज के काउंटिंग का जो प्रोविजन है वो सभी जगह एप्लीकेबल है। अच्छा, सेक्शन 5 कहता है कि सफिशिएंट कॉज के बेसिस पे लिमिटेशन छोड़ देंगे आपका। सेक्शन 12 फंडा बताता है कि ये ऐसी ऐसी चीज़ों में लिमिटेशन छोड़ देंगे। तो पहले क्या कौन सा बेनिफिट लें, 12 लें या 13 लें, 5 भी है और 12 भी है, अपील के केस में की बात कर रहा हूँ मैं। हम पहले 5 का बेनिफिट लें या पहले 12 का बेनिफिट लें, तो बेशक पहले 12 का बेनिफिट लेंगे फिर 5 का बेनिफिट लेंगे। That is said by the Allahabad High Court कि Section 5 of the Limitation Act cannot be applied for the computation of limitation. Section 12 के accordingly पहले compute कर लीजिए properly, फिर आपका case limitation barred हो रहा है तो sufficient cause की बात लाइए। Otherwise Section 12 ही जब आपको case win करा रहा है, limitation बचा रहा है, तो Section 5 को क्यों लेकर के आ रहे हैं बीच में, है ना। अच्छा एक बात बताइए जरा मुझे सोच करके, कभी कभी ना हम अपील फाइल करने जाते हैं ना, समटाइम्स मान लो ऐसा केस है जहां हमको ना प्रीवियस जजमेंट की कॉपी लाने की ज़रूरत नहीं है, प्रीवियस जजमेंट की कॉपी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है हमको। जैसे फॉर एग्जांपल सरकार का कोई ऐसा ऑर्डर है जो सब पे लग रहा है, गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन में आई हुई है, सब पे लग रहा है, अब हम उसके लिए अपील फाइल करने जा रहे हैं, अंडरस्टूड है सारी दुनिया उससे परेशान है, हम उसके लिए अपील फाइल करने जा रहे हैं। अब जब हम उसके लिए अपील फाइल करने जा रहे हैं ना, तो हमको ऑर्डर की कॉपी लगानी ही नहीं है इसमें, फिर भी ऑर्डर की कॉपी लेने में जो टाइम लग रहा है क्या वो एक्सक्लूड होगा, क्वेश्चन समझ में आया। हमें ऑर्डर की कॉपी नहीं लगानी थी फिर भी ऑर्डर की कॉपी लेने में जो टाइम लगा है क्या वो एक्सक्लूड होगा या एक्सक्लूड नहीं होगा, दैट वॉच। नो रूल्स रिक्वायरिंग ए कॉपी ऑफ ऑर्डर और जजमेंट टू बी फाइल्ड अलोंग विद द अपील वेदर द एग्जामिनेशन इज ग्रांटेड इवन इन दिस सिचुएशन, दैट्स अ वेरी क्रूशियल क्वेश्चन वी गॉट हियर। यहाँ पे बिल्कुल एक्सक्लूड होगा क्योंकि ये हमारा लीगल राइट है और इसको चाहे ज़रूरत है चाहे ज़रूरत नहीं है वो तो हम कॉपी मिलेगी तभी समझेंगे, क्योंकि उसमें से भी हमको कई बातें निकालनी पड़ती अपील में बोलने के लिए। माना कि ऑर्डर की कॉपी नहीं लगाना है अपील फाइल करने में, लेकिन मेरे पास अपील की ऑर्डर की कॉपी होना तो कई सारे पॉइंट्स हम उसमें से निकाल लेंगे, यहाँ सब ये भी अपनी अपील में बोले तो ज़्यादा बेटर होगा। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड पॉइंट वी गॉट देयर, यू नो, चाहे आपको ऑर्डर की कॉपी लगानी है या नहीं लगानी है, जो टाइम रिक्विजिट है ऑर्डर की कॉपी लेने में उसकी एक्सक्लूजन्स जरूर होगी, वो जरूर एक्सक्लूड किया जाएगा। दैट थिंग सर्टनली बी एक्सक्लूडेड देयर।
ठीक है, आज यही रखते हैं, कल हम कुछ और मैटर को फाइंड आउट करेंगे, कुछ और बातों पे देखेंगे और थोड़ा सा सिस्टम और देख करके कल मैं फाइनली आपको बताता हूँ कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का टेस्ट कौन से डेट पे रखेंगे, कल मैं फाइनली आपको स्पेसिफाई करता हूँ। आज मैं यही रखता हूँ इन सारे मैटर को, और कल भी अगर क्लास होती है तो 8 o'clock ही होगी, 8 बजे ही होगी कल भी।